तो आपका दिखाता हूँ मैं। जब मैं जयपुर गया था 4 महीने पहले, तब मैं गन्ना लगा के गया था, हमने गन्ना लगाया था। ये इतना बड़ा हो चुका है भाई, अब वो में खूब मीठा भी हो चुका है। अभी मैंने चख के देखा है। आप यहीं रहो कानू, ये देखो कितना बड़ा हो चुका है, आप देखो भी बहुत लंबा हो चुका है। तो ये है भाई गन्ना हमने लगाया था जो, और ये हमारे जो भी 10-11 घर वाले उसके लिए तो पर्याप्त है ये गन्ना। मतलब हमारे तो आराम से कोई कमी नहीं पड़ेगी, इतना गन्ना है। और इसको बोलते हैं, ये जो बेल लग रही है आपको, शकरकंदी की बेल है ये, ठीक है। और इसके साथ आपको ये पेड़ दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं हम, वैसे तो पपीता बोलते हैं इसको, लेकिन देसी लैंग्वेज में इसको हमारे गांव में बोलते हैं अरंड कांकड़ी। क्या बोलते हैं? अरंड कांकड़ी। तो ये अरंड कांकड़ी, और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पर्यावंडा। और ये यहाँ पर रोटी वगैरह बनाने के लिए जो ईंधन के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। उधर आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, वो हमारे नारंगी का पेड़ है, मौसमी नारंगी हमारे नीम है, और वो हमारा भतीजा है, मेरा भतीजा हर्षित जी, कानू जी। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर लगा रखा है ये अनार, ये अनार, दो अनार के पेड़, ये अमरूद का पेड़, इसमें अमरूद भी आ रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है आ नहीं रहे इसमें, इस बार तो लगे हैं अमरूद। और वो उधर नींबू है, और ये गन्ना ही है इतना सारा, ये सब गन्ना लगा हुआ है। कानू क्या कर रहा है? हाँ इधर आओ, खाट, ये हमारी खाट है भाई, ये हमारा पहला बाड़ा है, इसको हम पहला बाड़ा बोलते हैं, ओला बाड़ा जिसमें हम रहते हैं। ये देखो भाई ये गन्ना है, और बहुत अच्छा हो चुका है, अब मीठा हो चुका है बिल्कुल। क्या कर रहा है कानू? तो हम घूमने आए थे। हाँ मशीन का डंडा, मशीन का डंडा। ये कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे सांप है कोई। इसे सांप यो है। हाँ तो ये मौसम देखिए, धूप निकल रही बिल्कुल। ये क्या है? ये क्या है? ये डंडा है, तिल का डंडा है, डंडा है, डंडा। ये सांप है। सांप है ये? हाँ ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये भी, ये बहुत बड़ा है सांप। हाँ